सो वेलकम, गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इंजीनियरिंग एंड डेली लाइफ वाली सीरीज है, और इंजीनियरिंग एंड डेली लाइफ में हम लोग ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो अपने आसपास तो होती है, जिनका इंजीनियरिंग से कनेक्शन होता है, पर जनरली हम लोग वो डिस्कस नहीं करते। तो देखो, अब एज ए स्टूडेंट या फिर एज अ इंजीनियर हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे आसपास जो चीज़ें चल रही है या फिर जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके अराउंड बेसिक टेक्नोलॉजी क्या है। तो अब देखो, किसी भी चीज़ को हम लोग पूरी डिटेल में ना सही, पर कम से कम एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो देखो, डेली इन इंजीनियरिंग लाइफ वाले सेशंस में हम लोगों ने क्या क्या किया था। डेली इन इंजीनियरिंग लाइफ वाले सेशंस में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था एंटीना कैसे काम करता था। तो एंटीना की एक बेसिक प्रोटोटाइप हमने वहाँ पर समझी थी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि टच स्क्रीन कैसे काम करता है। तो पूरा का पूरा टच स्क्रीन की एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी तो नहीं, बट एक ओवरव्यू आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इसके अराउंड चीज़ें कैसे काम करती है, बिकॉज वी आर इंजीनियर्स। देखो, जितने भी लोग हैं हम सारे लोग इंजीनियर्स हैं, तो इंजीनियर्स को देखो ये ज़रूर पता होना चाहिए, इंजीनियर्स को ये जरूर पता होना चाहिए कि उसके आसपास की चीज़ें चल कैसी रही हैं, उनका एडवांटेज डिसएडवांटेज या उनके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो इंजीनियर की जो बात होती है ना, इंजीनियर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होता है ताकि वो क्यूरियस रहे और उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करे। तो जैसे मान लो किसी की ब्रांच मैकेनिकल है तो वो मैकेनिकल से रिलेटेड चीज़ें जानने की कोशिश करेगा, किसी की ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, किसी के ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, और सिविल है सिविल से रिलेटेड। तो कई कई बार देखो ऐसा होता है कि हम बीटेक तो कर लेते हैं, पर आपने ये चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि आपके आसपास कोई टेक्नीशियन होता है उसको ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं, है ना। भले ही हम लोग बीटेक कर लेते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री ले लेते हैं, पर जो टेक्नीशियन होता है उसको ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि टेक्नीशियन जो होता है ना प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें करता है। जब भी आप कोई चीज़ें प्रैक्टिकली करते हो तो धीरे धीरे आप क्यूरियस होते जाते हो उन चीज़ों को सीखने के लिए। हम लोग बीटेक करते हैं तो मोस्टली हम लोग थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं, तो हम प्रैक्टिकल बहुत कम करते हैं, या प्रैक्टिकल जो भी करते हैं वो रटे रटाए प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो जो अपना इमेजिनेशन होता है, जो अपना क्यूरियसनेस होता है ना, वो धीरे धीरे किल आउट हो जाता है। तो क्यूरियसनेस वो हमें कभी भी किल आउट नहीं करना चाहिए, हमें यार हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए। कुछ भी चीज़ें आप देखो, आजकल यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, गूगल है, कुछ भी देखो, थोड़ा बहुत बेसिक उसके बारे में जानने की कोशिश करो। तो धीरे धीरे हो सकता है कि आपका किसी पर्टिकुलर चीज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि आप अल्टीमेटली उसको एज ए करियर भी अपना सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना टाइम हम लोग वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, उस टाइम पे हम क्यों ना अपनी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा शांत करें, थोड़ा सा देखें कैसे चीज़ें चलती हैं। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। काफ़ी सारे लोग आ गए यार। ओके फाइन, अराउंड 26 पीपल आर देयर। सो यार, एवरीवन हैज़ टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो जनरली मैं अपने फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, आप कुछ जानना चाहते हैं मुझसे, आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है, कोई इमोशनल क्वेरी है, कोई सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है, कोई प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेरी है, सो यू फील फ्री टू मैसेज मी ऑन फेसबुक। आप बेहिचक मुझे फेसबुक पे मैसेज करो, बहुत सारे लोग करते हैं मैसेज, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज मैं सॉल्व भी करता हूँ, तो आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे। ओके, सो यू हैव टू मैसेज मी ऑन फेसबुक कोई भी आपकी क्वेरी हो। इसके अलावा देखो, इसके अलावा हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं, 24th ऑफ जून से आपका मोस्ट अवेटेड नाइक्विस्ट प्लॉट स्टार्ट करने वाले हैं। तो नाइक्विस्ट प्लॉट में बहुत डिटेल में कवर करूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पेशल क्लास में आके बैठो। तो 24th जून से 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, 1:30 to 2:30, 24th जून मीन्स टुमारो। तो आपको कहीं कुछ भी जाने की जरूरत नहीं, कोई नाइक्विस्ट के किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ मेरी स्पेशल क्लासेस करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि स्पेशल क्लासेस खत्म होते होते नाइक्विस्ट का कैसा भी क्वेश्चन आएगा, डिजाइनिंग का क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आएगा नाइक्विस्ट का, यू विल बी एबल टू सॉल्व इन वेरी लेस टाइम। ओके, इन वेरी लेस टाइम। सारे पीडीएफ्स मैं भेज देता हूँ सागर, मैं सारे पीडीएफ्स भेजता हूँ इसी क्लास के इमीडिएटली बाद। तो चलो, आज का टॉपिक तो सबको ही पता है कि आज हमें पढ़ना है कि मोबाइल काम कैसे करता है। तो अब देखो, मोबाइल कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत ही वाइड फील्ड है, बहुत ही इनफाइनाइट फील्ड है। तो पूरा का पूरा मोबाइल कम्युनिकेशन तो नहीं कवर करने वाले, पर एक बेसिक लेवल पर ये जरूर कवर करना चाहते हैं कि मोबाइल काम कैसे करता है। जब भी आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन होता है, आप जैसे उस पर नंबर पंच करते हो, तो नंबर पंच करते ही दूसरे तक कॉल कैसे लग जाती है, उसके पीछे का एक बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, वो बेसिक मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं दो चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले तो आप ये बता दो कि क्या आपको इस बात की क्लैरिटी हो गई कि 24th जून से नाइक्विस्ट प्लॉट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, और आपको उसके अलावा कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं। नाइक्विस्ट प्लॉट से रिलेटेड जितनी क्वेरीज है उसकी जिम्मेदारी आप छोड़ो मेरे ऊपर,
वो मैं आपका पूरा का पूरा करवाने वाला हूँ। तो नाइक्विस्ट प्लॉट पूरा कंप्लीट होगा आपका कल से। तो पहली चीज तो ये क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए, करेक्ट, ओके। सेकेंड चीज, जो भी हम लोग रियल लाइफ इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं उसका पर्पज होता है कि हमें बेसिक इंस्ट्रक्शन या बेसिक लेआउट समझना। चलो देखते हैं, तो क्या शुरू करें क्या? मोबाइल कैसे काम करता है? शुड बी स्टार्ट, ओके, चलो शुरू करते हैं। तो देखो, क्या आपने कभी ये सोचा है, कभी आपने ये सोचा है कि आपके पास फोन है, फोन पे जैसे ही पंच करते हो, अच्छा टच स्क्रीन में समझा चुका हूँ, टच स्क्रीन कैसे काम करता है इस पर डिस्कशन अपना हो चुका है ना, दो तरीके के टच स्क्रीन, रजिस्टिव कैपेसिटिव। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था टच स्क्रीन वाला। और जितने लोगों ने देखा होगा वो अपने आसपास इस चीज़ को फील भी करते होंगे कि कंडक्टर होना हमें क्यों ज़रूरी है। अगर हम कंडक्टर नहीं होते तो शायद हम टच स्क्रीन अपनी उंगलियों से नहीं चला पाते, ओके। तो जैसे ही आप नंबर पंच करते हो, कॉल लग कैसे जाती है, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, इसको आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि जब भी आप किसी दूसरे इंसान से बात करना चाहते हैं तो बेसिकली आप प्रोपगेट क्या कराना चाहते हैं? वॉइस सिग्नल। वॉइस सिग्नल आप प्रोपगेट कराना चाहते हैं। वॉइस सिग्नल का मुझे लगता है फ्रीक्वेंसी रेंज एवरीवन नोज, वॉइस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 300 हर्ट्ज़ टू 3.5 किलोहर्ट्ज़। आफ्टर बैंड लिमिटिंग इसको हम लोग बनाते हैं 300 हर्ट्ज़ टू 3.5 किलोहर्ट्ज़, ओके। तो ये होता है एक एनालॉग सिग्नल, ये होता है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग का मतलब कोई ऐसी चीज जो डिवाइस प्रोसेस ना करे, जो नेचुरली एग्जिस्ट करे। तो वो सारी की सारी चीजें जो किसी डिवाइस से प्रोसेस ना हो, नेचुरली एग्जिस्ट करें, उनको हम लोग बोल देते हैं एनालॉग सिग्नल। जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ फेस टू फेस, तो वो हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन होता है। अभी कैसे बातचीत चल रही है, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज जा रही होगी मेरे माइक में, माइक में जाने के बाद वो कन्वर्ट हो रहा होगा वोल्टेज और करंट सिग्नल में। ध्यान से समझना, मेरे कान पे लगा हुआ माइक सबको दिख रहा होगा, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो तो वॉइस है, वो वॉइस मेरा माइक कैच कर रहा होगा और उसको कन्वर्ट कर रहा होगा वोल्टेज और करंट में। फिर वो वोल्टेज करंट ट्रैवल करते करते पहुंच रहा होगा सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर पहुंच रहा होगा, सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो उस वोल्टेज करंट से किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन कर रहा होगा। वो पर्टिकुलर प्रोग्राम होगा जो आप देख रहे हो, ये यूट्यूब पे हमारा और आपका जो इंटरफेसिंग चल रही है ना, वो प्रोग्राम इस टाइम पे एक्टिवेटेड होगा। और वही वोल्टेज करंट वापस से आपके फोन पे जो लगा होगा रिवर्स ट्रांसड्यूसर, वो उस वोल्टेज करंट को वापस से वॉइस में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो मैंने एक मोटा मोटा आपको इंस्ट्रक्शन बताया कि काम कैसे चलता है। तो जब भी हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं तो उसको बोलते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन, या हम लोग एक दूसरे को सामने सामने एनालॉग सिग्नल भेज के बातचीत करते हैं, है ना। अगर आप किसी से माइक पे बात करते हो, जैसे मान लो आप गाना सुना रहे हो, आप कहीं पे खड़े हो, आप ये स्टेज पे खड़े, ओके, और माइक लेके आप गाना सुना रहे हैं और ये लगा हुआ लाउड स्पीकर, तो ये लाउड स्पीकर किससे कनेक्टेड होता है? माइक से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे भी प्रोसेसिंग वही चलती है, यहाँ से आप अपनी वॉइस भेजते हो, वॉइस से इसमें कन्वर्ट हो जाता है वोल्टेज और करंट में, ये वोल्टेज करंट यहाँ पे जाता है, यहाँ पे एक दूसरा ट्रांसड्यूसर लगा होता है 1/2 ट्रांसड्यूसर, और ये वापस से इस वोल्टेज करंट को किसमें कन्वर्ट कर देता है? वॉइस में, और थोड़ा सा एम्पलीफाई भी कर देता है, ठीक है। तो आई थिंक इतना सबको समझ में आता होगा कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं। चलो, तो हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ करने की कोशिश करते हैं, मगर देखते हैं सेम काम मोबाइल में कैसे हो रहा है। तो मोबाइल में क्या होता है, आप जो एनालॉग सिग्नल भेजते हो, जो भी आप अपनी बात बोलना चाहते हो, जैसे आपने किसी को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद बोला कि आप कैसे हैं, तो आपने अपने फ़ोन पे बोला कि आप कैसे हैं, ओके। तो पहले तो सामने वाला थोड़ा सा सरप्राइज होगा, क्योंकि आजकल हम लोग किसी का हालचाल तो पूछते हैं नहीं, सीधे फ़ोन किया, काम की बात की, फ़ोन रख दिया। तो जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन ईजी हो गया है, उतना ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से बात करना भी कम करते हैं। एक दूसरे से मतलब किसी ऐसे इंसान से जिससे जनरली हम कनेक्टेड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बस काम की बात करते हैं, आप कैसे हैं। तो जो आपने ये बोला आप कैसे हैं, ये तो है एनालॉग सिग्नल। उसके बाद क्या होता है उसको ज़रा समझिए। होता क्या है, जो भी आपका मोबाइल होता है ना, उसके अंदर एक सर्किटरी लगी होती है। ये सर्किटरी क्या करती है, जो भी आप एनालॉग सिग्नल भेजते हो, यहाँ से आप जो भी एनालॉग सिग्नल भेज रहे हैं, ये वही एनालॉग सिग्नल है जिसमें आप बोल रहे हैं आप कैसे हैं। तो ये तो एनालॉग सिग्नल, सेम एनालॉग सिग्नल इसके अंदर जाती है, वोल्टेज करंट में कन्वर्ट होता है। वोल्टेज करंट में कन्वर्ट होने के बाद ये इसको कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करेगा, ये इसका मॉड्यूलेशन करता है। मॉड्यूलेशन आपका ASK, PSK, FSK किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो जो सबसे पहले मोबाइल काम करता है वो आपके एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में। ये कैसे करता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी डिस्कशन का मुद्दा है, इसे पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेमैन लेवल पे समझ रहे हैं ये चल कैसे रहे। तो यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आपने भेजी थी, इसको इसने कन्वर्ट कर दिया 1010 में। मतलब यहाँ से जो भी आपने बेस बैंड सिग्नल भेजा,
जो भी आपने बेस बैंड एनालॉग सिग्नल भेजा, बेस बैंड एनालॉग सिग्नल, उसको इसने कन्वर्ट कर दिया बेस बैंड डिजिटल सिग्नल, बेस बैंड डिजिटल सिग्नल। ध्यान से समझिएगा, देखो ये तो आई थिंक सबको आइडिया होगा कि वॉइस सिग्नल कैसा सिग्नल होता है, इट इज अ बेस बैंड सिग्नल। जितने भी नेचुरली एग्जिस्टिंग सिग्नल्स होते हैं सारे के सारे होते हैं बेस बैंड सिग्नल, करेक्ट। बेस बैंड मतलब जो कंटेन करते हैं लो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को। तो ये देखो जीरो के करीब इसकी फ्रीक्वेंसी है, दिस इज कॉल्ड एज द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो अब देखो आपको सबको पता होगा कि अगर कोई भी बेस बैंड सिग्नल है तो बेस बैंड सिग्नल कभी भी वायरलेसली ट्रांसमिट नहीं हो सकता। क्यों वायरलेसली ट्रांसमिट नहीं हो सकता? क्योंकि बेस बैंड सिग्नल जो होते हैं उनमें कंटेन होती है जीरो फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसीज। लो फ्रीक्वेंसीज के लिए अगर हम लोग एंटीना इंस्टॉल करने जाएंगे तो एंटीना हो जाएगा सी बाई एफ, ये होता है 3 × 10⁸। और अगर मान लो मैं लो फ्रीक्वेंसी लेके चलता हूँ 300 हर्ट्ज, तो करीबन आपका आ जाएगा 3 × 10⁶ किलोमीटर का या 6 मीटर का एंटीना। तो आई होप ये बात सबको पता होगी कि कभी भी हम लोग बेस बैंड सिग्नल को वायरलेसली ट्रांसमिट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम डायरेक्टली अपनी वॉइस को भेजें तो डायरेक्टली अपनी वॉइस का ट्रांसमिशन पॉसिबल ही नहीं है वायरलेसली, क्योंकि ये जो एंटीना है इसको आप कभी भी इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो तो अब ये क्या करेगा, जाहिर सी बात है आपका मोबाइल जो होता है वो तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम होता है, मोबाइल आपका वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम होता है, तो ये 1010 बेस बैंड डिजिटल सिग्नल में को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, एक बैंड पास डिजिटल सिग्नल में। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो भी आपका बेस बैंड डिजिटल सिग्नल था, मैं दूसरे कलर से लिख के दिखाता हूँ, जो भी बेस बैंड डिजिटल सिग्नल होता है ओके, उसको आप कन्वर्ट करते हैं बैंड पास डिजिटल सिग्नल में। कोई टेक्निक बताएगा मुझे, कोई टेक्निक बताएंगे आप, ऐसा कौन सी टेक्निक से कर सकते हैं आप? बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, कुछ मैं ऐसी टेक्निक्स बताता हूँ जो आपको पता होगा, जैसे ASK, PSK, FSK। हालांकि ये सब यूज नहीं होता है, इसमें क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज होता है और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज होती है, पर जस्ट मैं लेमैन की तरह आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अब देखो सारी चीज़ें कनेक्ट करो। आपने बोला कि आप कैसे हैं, फ़ोन पे आपने बोला आप कैसे हैं, आपके आपकी वॉइस जो है वो 300 हर्ट्ज से 3000 किलो हर्ट्ज के बीच में लाई कर रही है, मतलब वो लो फ्रिक्वेंसी को कंटेन कर रही है, तो ये वॉइस वायरलेसली ट्रांसमिट नहीं हो सकती। तो आपकी वॉइस को सबसे पहले इसने डिजिटल में कन्वर्ट किया, वो भी बेस बैंड डिजिटल सिग्नल में। बाद में उसने ASK, PSK, FSK वाली टेक्निक्स लगा के इसको बैंड पास में कन्वर्ट किया। अभी भी बताइए, जब ये बैंड पास में कन्वर्ट भी हो गया तो ये खुद से तो जाने वाला है नहीं, बैंड पास में भी कन्वर्ट होने के बाद ये वोल्टेज और करंट का ही फॉर्मेट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एक एंटीना, जनरली मोबाइल्स में आपका पैच एंटीना लगा होता है, पैच एंटीना। और ये पैच एंटीना क्या करता है, इस वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। तो ये तो देखो किसी भी बेसिक कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट यही है, कोई भी बेसिक वायरलेस कम्युनिकेशन करो उसका कॉन्सेप्ट यही है कि पहले एनालॉग या मैसेज सिग्नल लेके आओ, उसको वोल्टेज करंट में कन्वर्ट करो, वोल्टेज करंट में कन्वर्ट करने के बाद उसको आप बैंड पास बनाओ। एनालॉग कम्युनिकेशन में बैंड पास बनाते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से, डिजिटल के केस में हम लोग बैंड पास बनाते हैं ASK, PSK, FSK से। तो हम लोगों ने इसको बैंड पास बनाया, जैसे ही ये बैंड पास बना अब इसका वायरलेस ट्रांसमिशन पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अब जो एंटीना इंस्टॉलेशन की हाइट चाहिए होगी वो एंटीना इंस्टॉलेशन की हाइट प्रैक्टिकली अचीवेबल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से पैच एंटीना से हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन ट्रांसफर कर दिया। यहाँ तक की कहानी किसको समझ में आ गई, यहाँ तक की प्रैक्टिकली मैंने बताया ना 64 QAM यूज होता है GSM के केस में, GSM के केस में 64 QAM यूज होता है, ऑर्थोगोनल FTMA यूज होता है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सी कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स होती हैं, है ना। तो इनकी डिटेलिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, 64 QAM GSM में यूज होता था, वो भी बहुत पहले जब 2G वगैरह कॉलिंग करते थे हम लोग तब, फिर थोड़ा सा मॉडर्न होके OFDMA आया, अभी WCDMA यूज करते हैं हम लोग। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज का नाम होता है, ठीक है ओके। तो बताओ यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है? देखो मैं फिर से बता दूं, मैं मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ना ही हम लोग इतने कम टाइम में पूरा का पूरा मोबाइल कम्युनिकेशन कवर कर सकते हैं। हमारा पर्पस क्या है कि इंटरेस्टिंग तरीके से ये समझना कि मोबाइल फोन बेसिकली काम कैसे करता होगा। तो अगली बार जो अपना मोबाइल फोन आप अपने कान में लगाना और आप किसी से बोलना आप कैसे हैं, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा दिमाग में विजुअलाइज करना कि आपके आवाज को जो अंदर माइक्रोफोन लगा वो कैच कर रहा है, वो उसको कन्वर्ट कर रहा है वोल्टेज और करंट बेस बैंड में, फिर वो कन्वर्ट हो रहा है डिजिटल सिग्नल में, शायद PCM वगैरह हो रहा होगा, PCM वगैरह से वो उसको 1010 में कन्वर्ट कर रहा है, फिर अंदर एक डिजिटल
बैंड पास मॉड्यूलेटर्स लगे होंगे जो उसको एएसके पीएसके एफएसके में कन्वर्ट करेंगे। फिर आपके मोबाइल में सबसे ऊपर लगा होता है पैच एंटीना, पैच एंटीना उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो सोचो ये प्रोसेसिंग कितनी फास्ट होती है, समझने की कोशिश करो ये प्रोसेसिंग कितनी फास्ट चल रही है। आप तो जस्ट कॉल करते हो और कॉल करके जब बोलते हो तो वो सामने वाला भी रिस्पॉन्ड करता है, आप भी रिस्पॉन्ड करते हो, पर अंदर ही अंदर देखो कितनी सारी चीजें चल रही है। आपकी जो वॉइस जा रही है, वॉइस की सबसे पहले हो रही है सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के बाद उसका हो रहा है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन के बाद उसकी चल रही है एनकोडिंग, तब कहीं जाके वो 1010 में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद आप उसको हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर से मल्टीप्लाई करके एएसके पीएसके एफएसके में कन्वर्ट करते हो। उसके बाद वो एंटीना के पास जाता है, एंटीना उसको ईएम वेव में कन्वर्ट करता है। ये ईएम वेव ट्रैवल करते करते पहुंचती है आपके फ्रेंड के पास, और उसके बाद वो फ्रेंड जो भी वहां पे रिसीव कर रहा है सिग्नल, वहां पे एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। वहां पे ईएम वेव रेडिएट होती है, एंटीना उसको वोल्टेज करंट में कन्वर्ट करता है, वापस से आप 1010 पे आते हो, 1010 से वापस उसका आप रिकंस्ट्रक्शन करते हो, रिकंस्ट्रक्शन करके आपको वॉइस सुनाई देती है। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इतने कम सेकंड्स में, विद इन माइक्रो सेकंड्स में इतनी सारी चीज़ें एक साथ हमारे आसपास चलती रहती है ना, सही बात। ओके चलिए अब देखो यहाँ पे जैसे ये है, इसने किसी को कॉल करा, ये कॉल कर रही है, कॉल करने के बाद ये देखो ये वही लेडी है जो यहाँ पे खड़ी थी। इसने जब कॉल किया है, देखो प्रैक्टिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं वो समझने की कोशिश करिए। सपोज ये कॉल कर रही है लड़की, और यहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे रेडिएट हो रही है इसमें सबको क्लैरिटी है, बोलो ये ईएम वेव रेडिएट कैसे हो रही है इसमें सबको क्लैरिटी है या नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो उसके आगे की कहानी डिस्कस करते हैं, ईएम वेव कैसे रेडिएट हो रही है इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक लेआउट अपने दिमाग में बनना चाहिए। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक लेआउट बन गया तो फिर आगे हम लोग कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। बोलो, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आपने थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन कभी पढ़ा होगा, और थोड़ी बहुत आपको क्लैरिटी होनी चाहिए मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले, थोड़ा सा कम्युनिकेशन का आइडिया आपको लगना चाहिए, ठीक है। ओके बोलो, काफी आसान है यार, आई थिंक इट इज वेरी इजी, फाइन। चलिए ओके, तो चलो देखो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे रेडिएट हो रही है इसका आई थिंक सबको आइडिया लग रहा है। अब देखो होता क्या है, अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग रेडिएट होने दें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हिंड्रेंस आती है कहां से, फिजिकल ऑब्जेक्ट से। जितने भी आपको फिजिकल ऑब्जेक्ट दिखेंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनको क्या करती है, हिंडर करती है। तो आपको देखो जान के बड़ा आश्चर्य होगा, आपको ये जान के बहुत ही एक आइडिया लगेगा कि मोबाइल कॉम्युनिकेशन is not entirely wireless. तो आप तो बोलोगे कि my whole life was a lie. आप बोलोगे यार मैं तो यही समझता था कि सब हवा में जा रहा है और हवा से ही सारी चीजें चल रही है। ऐसा नहीं होता है, मोबाइल कॉम्युनिकेशन entirely wireless नहीं होता है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये देखिए, ये आपका फोन है, आपने अपने घर के आसपास देखे होंगे कि ऐसे टावर्स लगे रहते हैं, आपने अपने घर के आसपास ऐसे देखे होंगे टावर्स लगे होते हैं। देखे हैं टावर्स किसी ने, बोलो टावर्स तो देखे होंगे ना। चलिए अब देखो यहां पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट हुई, ये यहां से यहां तक का जो भी है वो वायरलेस, यहां से यहां तक जो भी काम चल रहा है ना इट इज वायरलेस, ध्यान से समझिए, करेक्ट। ओके, यहां से यहां तक जो भी चल रहा है वायरलेस। अब एक टावर दूसरे टावर से क्या होता है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्टेड रहता है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल जमीन के नीचे बिछी होती है या समंदर के नीचे बिछी होती है, तो ये आपका सी के नीचे या फिर जमीन के नीचे पूरी की पूरी केबल बिछा के रखते हैं, जिससे एक जो आपका टावर होता है ना दूसरे टावर से कंप्लीटली कनेक्टेड रहता है, एक टावर दूसरे टावर से कंप्लीटली कनेक्टेड। तो आपने कॉल की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन का यहीं तक रोल रहता है। उसके बाद क्या होता है, ये टावर क्या करता है, ये टावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट पल्सेस में कन्वर्ट करता है। आई थिंक ये सबको पता होगा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइट पल्सेस को ट्रैवल कराती है अपने थ्रू, है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल से क्या क्रॉस करती है, लाइट पल्सेस। तो देखो ईएम वेव भी नहीं पहुंच रही, एक्चुअली ईएम वेव को भी ये जो टावर है ये कन्वर्ट कर रहा है लाइट पल्सेस में। फिर ये लाइट पल्सेस पहुंची इस टावर तक, इस टावर ने वापस से क्या किया, ये लाइट पल्सेस वापस एक नई ईएम वेव कन्वर्ट की, और फिर यहां से यहां तक का मीडियम हुआ वायरलेस। तो बताओ अगर आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू में, या कभी भी कोई पूछता है कि क्या मोबाइल कम्युनिकेशन कंप्लीटली वायरलेस है, तो उसको क्या बताओगे,
उसको बोलोगे कि भाई मोबाइल कम्युनिकेशन कम्प्लीटली वायरलेस नहीं है, बल्कि मोबाइल कम्युनिकेशन वायरलेस सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कहाँ तक है, जहाँ से आपका मोबाइल से लेकर टावर तक की दूरी, जो भी मोबाइल से लेकर टावर तक की दूरी है उतनी ही दूर में मोबाइल कम्युनिकेशन वायरलेस है, बाकी कम्प्लीटली मोबाइल कम्युनिकेशन भी वायर्ड होता है। आप मुझे बता सकते हैं कोई ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पे कम्प्लीट वायरलेस ट्रांसमिशन चलता है? कोई ऐसा ट्रांसमिशन बताओ कि जहाँ पे वायर लगता ही नहीं? सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट पल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एलईडी होता है, जैसे एलईडी क्या करता है, वोल्टेज करंट को किसमें कन्वर्ट करता है? तो लाइट सोर्सेज होते हैं यार बहुत सारे, है ना, लाइट सोर्सेज होते हैं। आप ऑप्टिकल फाइबर पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा। अगर आपने ऑप्टिकल फाइबर नहीं पढ़ा तो ऐसे मान के चलो कि यहां पर मैंने क्या लगाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब वोल्टेज करंट मान के चलो यार, है ना, पूरी डिटेल नहीं समझ रहे, वोल्टेज करंट मान के चलो, तो ये लाइट पल्स जनरेट करेगी या नहीं? करेगी ना, ओके। हाँ, टावर्स में लाइन ऑफ साइट आ रहे हैं, उस पर लाइन ऑफ साइट पे आते हैं, वैसे यहाँ पे ये लाइट पल्सेज आई, लाइट पल्सेज को कलेक्ट कौन करेगा? फोटो डायोड, रिवर्स बायस में लगा दो फोटो डायोड, या फिर एक वायर ही लगे रहने दो, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दो। तो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ये देखो ये लाइट की पल्सेज आई, इस पे पड़ी, तो इसमें क्या जनरेट हो जाएगी वापस से, वोल्टेज करेंट। तो ऐसा आप मान सकते हो, यहाँ पे आपने ईएम वेव रेडिएशन दिया, इसने जनरेट की लाइट, ये लाइट यहाँ तक पहुंची और उस लाइट को इसने कलेक्ट करके वापस से वोल्टेज करंट में कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लाइट सोर्सेज और लाइट डिटेक्टर्स होते हैं, जब आप ऑप्टिकल फाइबर पढ़ोगे तो आपको अंदाजा लगेगा। तो मैं फिर से एक बार ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग एग्जैक्ट मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट स्टडिंग, हम लोग जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी डिस्कस करना चाहते हैं कि मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें चलती हैं, बिकॉज मोबाइल कम्युनिकेशन सिर्फ 10-15 मिनट में पढ़ पाना पॉसिबल नहीं, इसके लिए तो 20-25 साल पूरी लाइफ भी कम है, पूरी जिंदगी लगे रहो तब भी मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं सीख पाओगे। तो हमें तो जस्ट अपनी क्यूरियोसिटी शांत करनी है, और मैं कुछ आप लोगों के बेसिक डाउट्स के भी आंसर कर देता हूँ। तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है ना, ये कम्प्लीटली वायरलेस होता है, मतलब सीधे हवा में आप भेजते हो, कम्प्लीटली वायरलेस, ठीक है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे चलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा हिसाब होता है, एक अर्थ स्टेशन होता है, यहाँ पे एक सैटेलाइट होता है, और यहाँ पे एक अर्थ स्टेशन। एक अर्थ स्टेशन ट्रांसमिशन की तरह काम करता है, एक रिसीवर की तरह काम करता है, ये भी हमेशा लाइन ऑफ साइट में ही काम करते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक वायरलेसली ट्रांसमिट करता है, ये उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये बहुत ही लेमैन लेवल पे सैटेलाइट की वर्किंग, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट, करेक्ट। चलो यहाँ तक पहले बताओ मुझे कितने लोगों को ये, देखो आगे ना मैं लेआउट भी कनेक्ट करता जा रहा हूँ, तो उसको भी थोड़ा समझते जाओ। मैंने सबसे पहले क्या बताया, आपने बोला आप कैसे हैं, वो कन्वर्ट हुआ किसमें, वॉइस कन्वर्ट हुआ वोल्टेज करेंट में, फिर उसकी हुई सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के बाद क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन के बाद इनकोडिंग, वो कन्वर्ट हो गया 1010 में, फिर उसको आपने हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर से मल्टीप्लाई करके एएसके पीएसके एफएसके में कन्वर्ट कराया, फिर उसको दे दिया एंटीना को, एंटीना ने बाहर उसको रेडिएट किया, तो ये रेडिएट होके जा रहा, देखो ये एंटीना से रेडिएट होके जा रहा है, जैसे ही ये पहुंचा टावर तक, अब ये टावर और दूसरा टावर कनेक्टेड है एक ओएफसी केबल से, तो ये ओएफसी केबल से लाइट पल्सेस जाएंगे और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन वापस रिसीवर तक पहुंचेगा। यहां तक की कहानी किसको समझ आ रही है बताओ, फिर मैं आगे आपको थोड़ा सा और इसके अंदर की बात समझाता हूँ। आ रहा ना सबको समझ में, ओके। तो आप बोलोगे इन टावर्स की जरूरत ही क्या है, आप बोलोगे इन टावर्स की जरूरत ही क्या है, हम तो ऐसी बात कर लेंगे। देखो जरा, अच्छा कितनी कितनी अनोखी बात है ये जरा समझिए। देखो चलो मैं एक सिंपल सी चीज आपको समझाता हूँ, सिंपल सी चीज जरा देखो यार, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप समझना है। ये आप हो, ये आपका दोस्त है, ये है मे बी, मैं मान लेता हूँ कि ही इज इन, चलो मैं दिल्ली की बात कर लेता हूँ कि ये भी दिल्ली में है, ये भी दिल्ली में, सामने सामने 5 मीटर की दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पे।
तो इनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा। वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है, ये तो आपस में बोल के ही बात कर लेते। फिर आपका एक दोस्त है दिल्ली में, एक दोस्त है सिंगापुर में। ध्यान से समझना इसको, मैं आगे की कहानी आपको समझा रहा हूँ। दूसरा दोस्त है सिंगापुर में। अब बताओ आप डायरेक्ट बोल के बातचीत कर लोगे इससे? बोलो। तो ये मत बोलना सर सिंगापुर में तो मेरा कोई दोस्त नहीं रहता, मेरे सारे दोस्त तो आस ही पास रहते हैं। तो अगर सारे दोस्त आस ही पास रहते हैं ना तो मोबाइल बेच दो, अपना अपना मोबाइल बेच दो, फिर क्यों खरीद रखा है मोबाइल? तो ये मान लो हो गए 5,000 किलोमीटर्स। तो ये मत बोलना सर मेरे सारे दोस्त तो मेरे आस ही पास रहते हैं तो मैं वायरलेस कम्युनिकेशन कर लेता हूँ। तो वायरलेस कम्युनिकेशन अगर कर ही ले रहे हो तो मोबाइल क्यों खरीद रखा हो? उसको फेंक दो अपना मोबाइल, या किसी को बेच दो। तो देखिए अब यहाँ पे आपका वायरलेस कम्युनिकेशन नॉट पॉसिबल, फिजिकल मीडियम से तो नहीं पॉसिबल है, शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से पॉसिबल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, वही इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके थ्रू वायरलेस पॉसिबल है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताना, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइए क्या क्या फिजिकली वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या फिजिकली वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है? आंसर इज यस। दूसरा क्वेश्चन, क्या फिजिकली लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है? आंसर इज नो। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फिजिकली क्या वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है? तो आप बोलेंगे कि फिजिकली तो पॉसिबल है यार, हम लोग तो आपस में घर में जब बात करते हैं, किसी दोस्त से मिलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम वायरलेस कम्युनिकेशन ही तो करते हैं, तो फिजिकली वायरलेस कम्युनिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है, पर वायरलेस लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं। तो अगर इसी वायरलेस लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को आप कंप्लीट कराना चाहते हैं तो आपको हेल्प लेनी पड़ती इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स की। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, उसको समझिए कि हमें अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना वायरलेसली ना, देन वी गो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम? यही मोबाइल आपने जो यूज किया, या फिर कभी हम लोग लैंडलाइन यूज करते थे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स हमें बताते थे कि हम कैसे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को पॉसिबल करा सकते हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो आप आपके दिमाग में एक डाउट ये भी आएगा कि सर ये टावर वगैरह लगाया ही क्यों, ये टावर वगैरह क्यों लगाया, जरूरत ही नहीं थी लगाने की, ये अर्थ है और ये मैं खड़ा हूं और ये मेरा दोस्त खड़ा है, हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जो भी आपका मोबाइल कम्युनिकेशन चलता है वो लाइन ऑफ साइट पे चलता है, क्योंकि मोबाइल कम्युनिकेशन में जो फ्रीक्वेंसीज यूज होती हैं दैट इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। तो मोबाइल कम्युनिकेशन में ऐसे समझो मोबाइल ऑफ कम्युनिकेशन आपका चलता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है आप ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, वो स्ट्रेट लाइन के दौरान ही ये कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो आपने बोला सर ये लाइन ऑफ साइट चल तो रहा है तो टावर वगैरह लगाने की जरूरत क्या है? तो ये चल तो तब रहा है ना जब आपने ये डायग्राम बनाया। मान लो आप यहाँ खड़े हो अपना ट्रांसमीटर लेके, आपका दोस्त यहाँ खड़ा है अपना रिसीवर लेके, और आपने भेजा, तो ये अर्थ का जो कर्वेचर है ना ये इसको हिंडर कर देगा, है ना? तो जो अर्थ का कर्वेचर है ये आपके ट्रांसमिशन को क्या करेगा, हिंडर करेगा, और आप रिसीवर तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाएंगे। तो अगर आप रिसीवर तक अपनी बात नहीं पहुंचा रहे तो ट्रांसमीटर और रिसीवर का ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। ट्रांसमीटर और रिसीवर का ओरिएंटेशन चेंज करने का मतलब क्या है? ये धरती है, धरती पे बड़ा सा लगा दो एंटीना, सॉरी टावर, और ये भी धरती पे लगा दो बड़ा सा टावर। अब आप कहीं भी हो, आपका दोस्त कहीं भी हो, आप सपोज यहाँ पे हैं और आपका दोस्त यहाँ पे है, आपने इसको कनेक्ट कर रखा ओएफसी से। अब ये रहा आपका ट्रांसमीटर और अब इसका रिसीवर काम करेगा व्हाटएवर। आप देखो जो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होगा ना वो इन दोनों के बीच में होगा, अब धरती से मतलब नहीं, अब धरती कैसी भी हो इसने इसको ट्रांसमिट किया। अब ये देखो ये अर्थ के नीचे से लाइट पल्सेस लेके गया, यहाँ पे इसने पहुंचाया और इन दोनों के बीच में इसने वायरलेस कम्युनिकेशन करवा दिया। तो मुझे बताओ क्या टावर का इंस्टॉल करना जरूरी है या नहीं? मुझे बताइए, क्या विदाउट टावर इंस्टॉल किए आप फोन से भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर पाओगे? चलो इसके पास भी फोन है, इसके पास भी फोन, दोनों के पास फोन है, तो अगर मैं टावर इंस्टॉल नहीं करूं और आपको मोबाइल दे दूं कि चलो ठीक है मोबाइल से कर लो कम्युनिकेशन जितना कर पाओ, तो कर पाओगे क्या कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस? तो तब भी नहीं कर पाओगे, यस और नो बोलो। कुछ आपको लॉजिक समझ आ रहा है क्या चल रहा है, कितनी कितनी टेक्निकलिटीज होती हैं?
बताइए, आर यू गेटिंग दीज पॉइंट्स और नॉट? तो टावर्स का इंस्टॉल होना जरूरी क्यों है? टावर्स का इंस्टॉल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमीटर और रिसीवर में इंसानों को छोड़ देंगे तो इंसान फिर अर्थ ऑफ कर्वेचर की वजह से ये इंसान और ये इंसान एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। ये ट्रांसमीटर और रिसीवर स्ट्रेट लाइन में है तो स्ट्रेट लाइन में ये अर्थ का कर्वेचर इनको हिंडर कर देगा। अगर अर्थ का कर्वेचर इसको हिंडर कर देगा तो ये अपनी बात यहां तक पहुंचा नहीं पाएगा। ठीक है, करेक्ट। तो विदाउट टावर तो पॉसिबल ही नहीं है, टावर लगाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं अपने पास कि टावर लगाए बिना अपना काम चले। ठीक है, ओके। अब देखो ये टावर बहुत सारी चीजें करता है, अब टावर के अंदर नहीं जा रहे, जस्ट मैं आपको लेमैन तरीके से समझा रहा हूं। टावर का काम समझने के लिए ही बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन इज नॉट वेरी इजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया बिहाइंड इट, ओके। चलो, तो अब इतनी कहानी हमें समझ आ गई, तो ये भी समझ गई, ये भी जो ट्रांसमीटर थी इसको भी समझ आ गया कि यार सीधे सीधे बात करने में कोई भलाई नहीं है। देखो पहले क्या कर रही थी, पहले ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रही थी, ये देखिए आ गया। यस, तो देखो पहले ये क्या कर रही थी, डायरेक्ट ट्रांसमिशन करने की कोशिश कर रही थी। इसको पता नहीं था कि अर्थ का कर्वेचर इसको हिंडर कर सकता, करेक्ट, ओके। अब इसने क्या किया, इसको बात समझ में आ गई, तो इसने अब जो अपना ट्रांसमिशन किया वो किस पे किया, टावर्स के पास। टावर क्या करेगा देखना। अच्छा, ये टावर इंस्टॉल कैसे होते हैं, तो देखो पूरा का पूरा जो अर्थ होता है, पूरे के पूरे अर्थ को डिफरेंट डिफरेंट हेक्सागोनल सेल्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हेक्सागोनल सेल्स में डिवाइड करते हैं और हर एक हेक्सागोनल सेल में एक एक टावर बिछा देते हैं, एक एक टावर लगा देते हैं। हर एक टावर को हम लोग किससे कनेक्ट कर देते हैं, ये देखो ये टावर्स लगे हुए हैं और सारे के सारे ओएफसी से कनेक्टेड है, सारे के सारे टावर्स आपके ओएफसी से कनेक्टेड, सब अंदर अंदर ग्राउंड से कनेक्टेड होंगे। तो उसके बाद देखो क्या होगा, ये देखिए जैसे ही ये पल्स यहां पे पहुंची, ये कन्वर्ट करेगा एक लाइट पल्स, क्योंकि ओएफसी है ना, दिस इज ओएफसी, ऑप्टिकल फाइबर केबल से लाइट जाएगी, ये देखो लाइट यहां से ट्रांसमिट हो रही। अब देखो बीच में बहुत सारे ब्लॉक्स लगे होते हैं, ये सब कभी डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे कि बीटीएस क्या होता है, बेस ट्रांसीवर क्या होता है, क्या क्या इसका काम होता है, ये सब कभी अलग से डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये लाइट पल्स यहां से जा रही है, लाइट पल्स यहां से गई, जैसे ही लाइट पल्स पहुंचेगी ये रिसीवर के पास, रिसीवर क्या करेगा, ये लाइट पल्स को देखो रिसीव कर रहा है और उस लाइट पल्स को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ईएम वेव रेडिएशन, और फिर इसके पास वो ईएम वेव रेडिएशन पहुंच गई रिसीवर के पास। आया समझ में? तो मोबाइल कम्युनिकेशन का बेसिक सबको समझ आ गया। अब इसके पीछे की एग्जैक्ट वर्किंग क्या होती है, बीटीएस क्या होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स क्या होते हैं, सिम का काम क्या होता है, कैसे हमें पता चलता है कि एक नंबर पंच करने से आपके स्पेसिफिक दोस्त के पास ही फोन लगता है, किसी और के पास क्यों नहीं लग जाता, तो ये सारा डिस्कशन करेंगे अपकमिंग सेशंस में। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा, क्या आपने कुछ नया सीखा, क्या आपके अराउंड आपने कई सारी चीजें सीखी, तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आगे का मोबाइल कम्युनिकेशन की जो जर्नी है वो अगले सेशन में हम लोग एक्सटेंड करेंगे और वहां पे ये सारी चीजें देखेंगे कि नंबर जब आप पंच करते हो तो एक्चुअल में क्या मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से बीटीएस और मेन स्विचिंग सेंटर से होते होते आपके रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, रोमिंग का क्या मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कैसे यूज होती है, फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या होता है, ये सारा का सारा अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, करेक्ट, बोलो। तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैंने काफी सिंप्लीफाइड तरीके से आज की क्लास में आपको बताया कि अब अच्छा देखो ये कितने, ये सारी चीजें कितने सेकंड्स में चलती है, माइक्रो सेकंड्स में, है ना, विद इन माइक्रो सेकंड्स ये सब चलता है। तो ये भी बड़ी सोचने वाली बात है कि माइक्रो सेकंड में इतनी सारी चीजें हो जा रही हैं, इतनी सारी चीजें विद इन माइक्रो सेकंड्स आपकी चल रही। तो आज जब किसी को फोन करना, आज जब आप किसी को कॉल करना, ठीक है, तो ये चीज दिमाग में बोलना कि आप जो भी बोल रहे हो पहले आप कुछ बोल के रुक जाना, बस हेलो बोलना और रुक जाना, है ना, और दिमाग में सोचना कि चल क्या रहा है, आपने जो हेलो बोला उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, 300 से 3.5 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का सिग्नल गया फोन के अंदर, फोन के माइक ने इसको कैच किया, इस हेलो सिग्नल को, हेलो सिग्नल का जो भी वेरिएशन होगा, सपोज ऐसा ऐसा कुछ वेरिएशन है टाइम के साथ, ऐसा कुछ वेरिएशन है हेलो सिग्नल का, इसको क्या करेगा, सैंपल करेगा, क्वांटाइज करेगा,
एनकोड करेगा, बनेगा 1010 की स्ट्रीम, फिर उसको एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर से मल्टीप्लाई करेगा, जो आपके फोन के अंदर ऑसिलेटर्स लगे होते हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर जनरेट करते हैं, तो वो कन्वर्ट होगा एएसके पीएसके एफएसके में। हालांकि एएसके पीएसके एफएसके में नहीं होता है, वो क्यूएम वगैरह पे चलता है, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो आपके मोबाइल में ऊपर एक पैच एंटीना लगा होता है, वो उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन में। वो ईएम वेव रेडिएशन जाएगा आपके एरिया के आसपास जो भी बीटीएस लगा होता है, उस बीटीएस तक जाने में आपका जो ट्रांसमिशन होगा ना वो वायरलेस होता है, वो बीटीएस उसको लाइट में कन्वर्ट करेगा, वो लाइट के पल्स जाएगी अगले ट्रांसमीटर तक, अगले टावर तक, अगला टावर वापस से क्या करेगा, उस लाइट पल्स को वापस से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंचेगी इस इंसान तक, इस इंसान का एंटीना इसको कैच करेगा, इस इंसान का मतलब इसके मोबाइल का एंटीना ये ईएम वेव रेडिएशन कैच करेगा। अब इस ईएम वेव को रेडिएशन को कैच करके ये उसको रिकंस्ट्रक्ट करेगा, रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद वापस से वॉइस सिग्नल में जनरेट करेगा। और इतना होने में टाइम कितना लग रहा है, माइक्रोसेकंड्स। तो जितने में आप सोच भी नहीं पा रहे हो, आपको सोचने में 10 सेकंड या 1 मिनट लग जा रहा है, उससे लाखों लाखों गुने कम टाइम में ये पूरा का पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट भी हो जा रहा है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को आसान भी बनाता है, एट द सेम टाइम मुश्किल भी कर देता है। तो दोनों चीजें हैं, प्रोज एंड कॉन्स, पर आपको थोड़ा सोचना चाहिए। यू शुड बी क्यूरियस बिकॉज यू आर इंजीनियर। ओके, सो थैंक यू सो मच यार, काफी लोग आए, इतने लोगों को मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आज के सेशन में। मुझे लग रहा था कि 10-15 लोग आएंगे, पर काफी लोग आए। आई रियली एंजॉयड दिस सेशन। और यार सेशन में आप लोग आते हो, अप्रिशिएट करते हो, दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस। हमारे लिए मोटिवेशन यही है कि आप हमें अप्रिशिएट करें, हमारे बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोलें। और अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं, अगर आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है, तभी शायद आप ऐसा बोल रहे हैं। सो वी आर रियली ऑब्लाइज्ड कि आप लोग ये सारी चीजें करते हैं। सो थैंक यू सो मच यार, मिलते हैं EMFT वाले सेशन में। अच्छा, एक चीज और, ये मैंने आप सबको नोटिस बता दिया था, सुन लो, कल से स्टार्ट हो रहा है 1:30 से 2:30 के बीच में नाइक्विस्ट में, अगर आप पूरा का पूरा नाइक्विस्ट मुझसे पढ़ते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास में चालू हो रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एब्सोल्युटली स्पेशल क्लास में नाइक्विस्ट, कंप्लीट नाइक्विस्ट में कराऊंगा, करीबन मान के चलो 20 से 22 घंटे में, 2-3 क्लास में नहीं, इतना टाइम में पूरा का पूरा नाइक्विस्ट दूंगा आपको। मैं बनाने वाला हूँ नाइक्विस्ट का मास्टर। आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि स्पेशल क्लासेस में आके बैठना, जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुनते जाना। नाइक्विस्ट का क्वेश्चन लगाते समय अगर आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ रही, तो इसका मतलब या तो मैं नाइक्विस्ट आपको पढ़ा नहीं पाया, या तो आप पढ़ नहीं पाए। सेम मैंने आपसे वादा किया था फूरियर सीरीज में, तो शायद फूरियर सीरीज में मैंने अपना वादा पूरा किया था। मैंने बोला था फूरियर सीरीज के क्वेश्चन में मैं आपको पेन उठाने नहीं दूंगा 10 में से 9 क्वेश्चन में। और शायद जितने लोगों ने ईमानदारी से सारी क्लासेस की थी, तो फूरियर सीरीज के क्वेश्चन उनसे इमीडिएटली लग रहे होंगे। सेम प्रॉमिस मैंने आपसे किया था लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप में, कि लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप में मैं आपको पेन उठाने की नौबत नहीं आने दूंगा 10 में से 9 क्वेश्चंस में। और शायद मैंने अपना वादा काफी हद तक पूरा भी किया था। अगर आपने पूरा लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप स्पेशल क्लास में किया होगा, तो अनडाउटेडली आपसे लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप के क्वेश्चन डायरेक्टली लग रहे होंगे। सेम प्रॉमिस मैं आपसे नाइक्विस्ट में कर रहा हूँ कि नाइक्विस्ट अगर आप पूरी क्लास अटेंड करते हैं, कल से शुरू हो रहा है 1:30 से 2:30 तक, आओ और साथ के साथ बाकी लोगों को भी लेके आओ। तो जितने भी लोगों तक आप प्रोपगेट कर सकते हो आप कर दो, बाकी लोगों तक तो मैं कर ही रहा हूँ। ओके, चलो फिर मिलते हैं यार कल की डेट में। थैंक यू सो मच धीरज, मैं अपडेट कर रहा हूँ। धीरज यार, आई एम अपडेटिंग ऑल द PDFs, नॉट एन इशू। ओके, आई एम अपडेटिंग कंप्लीट PDF जस्ट राइट नाउ, करेक्ट? ओके, थैंक यू यार।